हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड 2020 का एग्ज़ाम डेट आ गया है। आज के डेट का 3 जुलाई 2020 का न्यूज़ है। चलिए देख लेते हैं कब है एग्ज़ाम। यह न्यूज़ प्रभात खबर का है। आज के डेट का 3 जुलाई 2020 का डीएलएड से संबंधित जो न्यूज़ दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है। 29,200 सीटों के लिए 10 अगस्त को डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम जो लिया जाएगा 10 अगस्त 2020 को। आगे देख लीजिए, आगे हम आप लोगों को सीट का पूरा डिटेल्स भी बताएंगे। राजकीय एवं निजी कोटि में, गवर्नमेंट एवं प्राइवेट में डीएलएड कोर्स 2020 से 22 में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि बिहार बोर्ड ने जारी कर दी है। परीक्षा 10 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी। 338 केंद्र टोटल बनाया गया है। परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी, इसके लिए जो टोटल सेंटर बनाया गया है 338। परीक्षा के 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। इस बार राज्य में 302 मान्यता प्राप्त संस्थानों की 29,200 सीटों पर एडमिशन होगा, जिसमें से 242 है गैर सरकारी प्राइवेट है और 60 सरकारी संस्थान शामिल है। परीक्षा दो पालियों में इसलिए लिया जा रहा है कि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट को बिठाया जाएगा और 338 टोटल सेंटर है। दो पाली में एग्जाम लिया जाएगा। अब चलिए सीट का पूरा डिटेल्स देख लेते हैं, साथ ही सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। इस पीडीएफ में सभी संस्थान का लिस्ट दिया हुआ है, तो इसमें आप कॉलेज का नाम देख सकते हैं। जिला का नाम सबसे पहले दिया हुआ है, इसके बाद है सरकारी गैर सरकारी, तो यह गैर सरकारी प्राइवेट कॉलेज है। कॉलेज का नाम दिया हुआ है, कितना सीट है, एनसीटी से कब मान्यता प्राप्त है यहाँ पर दिया हुआ, और बिहार बोर्ड से कब मान्यता मिला है पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो इस तरह से पूरा देख सकते हैं आप। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा लिस्ट को चेक कर सकते हैं। पूरे नीचे तक है, आपको सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार का इसमें कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से पूरा चेक कर लीजिएगा। टोटल जो इसमें संस्थान है 302 कॉलेज शामिल है। अब चलिए सिलेबस देख लेते हैं। एग्जाम जो लिया जाएगा ओएमआर सीट पर, टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 150। यहाँ पर विषय दिया हुआ है कि इस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी, सामान्य उर्दू, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या फिर उर्दू। हिंदी से क्वेश्चन रहेगा 30 और उर्दू से भी 30, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होगा। इसके लिए जो निर्धारित अंक है 90 अंक। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद गणित से 30 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20, सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। 450 अंक की परीक्षा लिया जाएगा। एग्जाम का थोड़ा बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए। 1,00,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट एग्जाम देंगे और सीट है 29,000। इस कारण से आपका सिलेक्शन हो जाए, एडमिशन हो जाए, तो इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा, यानी 1/3 इसमें निगेटिव है। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक मिलेगा और निगेटिव होने पर यानी गलत होने पर एक अंक काटा जाएगा। तो इसमें आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा, जो सही बनाए हैं, जो आपको पता है वही क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कीजिएगा। तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो इस अनुसार अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए।